सो गाइस, क्या आप नहीं चाहते आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको मिले दुगना प्रॉफिट? क्या आप नहीं चाहते आपका घर ऐसी जगह पर हो जहां पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, सबसे बड़ी फिल्म सिटी हो और इंडस्ट्रियल हब हो एंड टॉप यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल स्कूल्स हो? सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी प्रॉपर्टी में। तो आज हम आपको फिर से लेकर आए यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18 के प्राइम पॉकेट 1B में। इससे पहले हमने 1A की वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी है आई बटन पे क्लिक करके देख ले। तो हम बात कर लेते हैं 1A पॉकेट की। ये पॉकेट प्राइम पॉकेट है और यहाँ पे बहुत तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पता चलेगा मेरी एक शॉर्ट वीडियो में। तो आप सबसे पहले मेरी एक शॉर्ट वीडियो देखो। कंप्लीट हो चुका है, आपने देखा होगा रोड तारकोल कर दी गई है, आपके स्ट्रीट लाइट पोल्स, नालिया, सीवर, हार्नेस, टैंक सब डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पे ग्रीनरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। तो भाई हम बात करते हैं सेक्टर 18 में। सेक्टर 18 में सभी प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर के हैं। 1B पॉकेट की बात कर लेते हैं। 1B पॉकेट में प्लॉट की डायमेंशन की बात करता हूँ मैं। डायमेंशन होती है आपकी 12x25, जिसमें 12 आपका फ्रंट होता है, 25 आपकी गहराई होती है। और 1B पॉकेट सेक्टर 18 में आपके टू टाइप की प्रॉपर्टी हैं, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में बता देता हूं, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप रजिस्टर्ड प्लॉट लें, अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट लें। और दोनों ही प्लॉट सेफ है, रजिस्टर्ड भी और अनरजिस्टर्ड भी। तो गाइस आपने डेवलपमेंट देखा होगा, तो बात कर लेता हूं इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों है। यहाँ ये आपका है सेक्टर 18, इसके बाद पड़ता है आपका सेक्टर 20, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के प्लॉट हैं, जो 300 स्क्वायर मीटर से स्टार्ट होते हैं और 4000 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट हैं। उसके बाद आता है आपका सेक्टर 21, जिसमें आपकी सबसे बड़ी फिल्म सिटी बसाई जा रही है, जिसका काम चल रहा है। उसके बाद पड़ता है आपका इंडस्ट्रियल हब, जिसमें 3-4 कंपनियां रनिंग में है और कुछ कंपनियों का काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों है ये मैं बता देता हूँ। ये आपका नियर बाय पड़ता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, आपके इंडस्ट्रियल हब से आगे ही आपका पड़ता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी हाँ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। गाइस आप आए, साइट विजिट करें और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे आज की डेट में बहुत अच्छे से रेट हाई जा रहे हैं, तो आप आइए, साइट विजिट कीजिए और देखिए। अगर आपको प्लॉट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और गाइस हम यहाँ पे सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन तीनों का काम करते हैं। आपको इन तीन से भी रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। इनफैक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारा सेम नीचे दिया गया नंबर व्हाट्सअप नंबर पे भी अवेलेबल है। तो गाइस आइए, साइट विजिट कीजिए और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।